हाय गाइस, वेलकम बैक। सो एक्चुअली आज जो है मैंने लैपटॉप मंगाया था अपने लिए, मतलब पापा ने मंगा लिया था मेरे लिए, तो वही आ गया है, तो मैं वही लेने के लिए जा रही हूँ। सोचा मैं आपको दिखा दूँ लैपटॉप। छोटा सा रिव्यू वीडियो, क्योंकि मैंने एक लैपटॉप खरीदा था और वो आज ही आया है। आज है 8 मई 2022 और इसका मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी अभी, तो आइए देखते हैं इसमें कैसा होता है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मतलब मैंने नहीं, पापा ने मंगाया था। ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरा ब्लॉग चैनल है, तो मैंने आप लोग को ऐसे ही दिखाने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया है। तो इसका इतना बड़े बॉक्स में आता है ये फ्लिपकार्ट का, इसके अंदर लेनोवो का बॉक्स है। मैंने जो मंगाया है वो लैपटॉप है लेनोवो का, नाम तो मुझे याद नहीं, मैं अंदर देख के बताऊंगी। तो लेट्स टेक इट आउट। और कुछ ऐसे टाइप का है ये लेनोवो का। तो अभी इसको खोलते हैं। मैंने इसे निकाला है और इसमें से चार्जर निकला है और अच्छे से पैक होके आया है। लैपटॉप ग्रे कलर का है और इसके अंदर एक्सेसरीज तो नहीं है, सिर्फ खाली है। यहाँ पे मुझे एक चार्जर दिखाई दे रहा है, चार्जर दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा है, इसे मैं बाद में खोल के दिखाऊंगी। तो आई थिंक दिस इज द चार्जर। इतना मोटा भी नहीं है, पतला सा है, छोटा सा है इतना। तो अभी लैपटॉप खोल के देखते हैं लैपटॉप। और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, बस एक चार्जर मिला है। और इस लैपटॉप में हमारे साइड फीचर्स है, तो गाइस इसमें है एक और दो USB पोर्ट्स, एक यहाँ इस साइड में है और एक इस साइड में है। और यहाँ पे एक HDMI है और एक हेडफोन वाला है और टाइप सी वाला USB पोर्ट है। और इसके पीछे साइड कुछ ऐसा दिखता है एंड और यहाँ पे एक USB चार्जर और एक कार्ड रीडर है। और यहाँ पे एक लेनोवो का इसका आइकन है और बड़ा अच्छा है फ्लैट। सो लेट्स ओपन इट। इंच का लैपटॉप है ये। अभी तो मैं जस्ट आया है, मैं बाद में अच्छे से बताऊंगी कि कैसा चलता है ये अच्छे से इसमें यूज करके। और कैमरा भी है आगे यहाँ पे। इसके स्पेसिफिकेशंस बता देती हूँ मैं, स्पेसिफिकेशंस है ये है लेनोवो का i3 11th generation, 8GB RAM, 512GB SSD। इसे हमने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, फ्लिपकार्ट में अभी क्योंकि सेल चल रहा था तो उससे हमारा और डिस्काउंट हो गया। उससे इसका प्राइस था 39,000 था, फिर उसमें से जब हमने इसे खरीदा कार्ड से SBI कार्ड से, उससे भी थोड़ा और डिस्काउंट मिल गया। तो आई बॉट दिस लैपटॉप एट 37,000। सो गाइज, इस लैपटॉप को मैं अभी एक दो हफ्ते यूज़ करूँगी, फिर उसके बाद इसका अच्छे से रिव्यू दूंगी बाद में और बताऊँगी कि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है कि नहीं। एकदम बजट वाला लैपटॉप है और अभी तो इसका सिर्फ मैंने अनबॉक्सिंग किया है, तो अच्छे से रिव्यू करूँगी मैं बाद में इसका, क्या कहते हैं, प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगी, अच्छा है कि नहीं है, ठीक है आपको खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं वीडियो को। बाय बाय।
क्वैक।